आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर की जिला जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच विवाद की घटना सामने आई। बता दें, जिला जेल में बंद कैदी किसी बात को लेकर अंदर ही जमकर लड़े, जिसके बाद एक कैदी को गंभीर चोटें आई तो उसे जेल प्रबंधक ने इलाज के लिए इंदौर के MY हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। बता दें, जेल के अंदर ड्रग्स माफियाओं के दो गिरोह में आपस में विवाद हो गया और इस विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शादाब पर नुकीली वस्तुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद शादाब को गंभीर चोटें आ गई। फिलहाल विवाद पुराने कारणों के चलते हुआ। जेल प्रबंधक जेल के अंदर मारपीट करने वाले चार कैदियों की शिकायत संयोगितागंज पुलिस को की है। वहीं संयोगितागंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बता दें, इंदौर की जिला जेल में इसके पहले भी इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इंदौर की जिला जेल में ड्रग्स माफिया के दो गिरोह बंद है और उन्हीं गिरोह में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद जेल में ही मौजूद एक जेल प्रहरी के द्वारा गैंग में जेल के अंदर राजीनामा करवाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसी दौरान दोनों गैंग में विवाद हो गया और विवाद के चलते एक गैंग ने दूसरे गैंग से जुड़े शादाब पर नुकीली वस्तुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जेल प्रबंधक ने जेल प्रहरी दीपक तिवारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं पूरे मामले की सूचना भी अधिकारियों को दे दी। आने वाले दिनों में आला अधिकारी इंदौर की जिला जेल में पदाधिकारियों पर सख्त कार्यवाही कर सकते हैं। बात की सूचना थी क्या? हाँ, जिला जेल से अभी एक प्रधान आरक्षक मनोहर सूर्यवंशी ने जेलर साहब की तरफ से एक लिखित में आवेदन लाके दिया है। उसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि कोई बंदी है शादाब, उसके साथ में आदिल, सलमान, सिद्धू उर्फ शादाब एवं अरुण नाम के चार बंदियों ने जिला जेल में किसी नुकीले सरियानुमा हथियार या ब्लेड से संभवतः ऐसा लिखा उन्होंने उसकी मारपीट की है कोई पुरानी बात को लेकर, तो उसमें से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने लोग घायल बता रहे हैं सर? एक घायल बताया उन्होंने, एक को चोट लगाना बताया और उसका जिला जेल के स्टाफ के द्वारा ही दिन में उसकी MYH में OPD में कोई इलाज भी कराया गया है। अभी हम लोगों के पास में रेस्ट अभी तहरीर आई है तो उस पर समय FIR पंजीबद्ध कर रहे हैं। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।